हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। शशि थरूर, महुआ मोइत्रा समेत कई नेताओं के फोन पर आया स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स की चेतावनी का मैसेज। बता दें कि शशि थरूर, पवन खेड़ा, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, प्रियंका चतुर्वेदी, असदुद्दीन ओवैसी समेत कई विपक्षी नेताओं ने एप्पल से मिले हुए स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स की चेतावनी वाले मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। संदेश में लिखा है कि संबंधित फोन हैक करने की कोशिश की जा रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी अपने आईफोन पर ऐसा मैसेज मिला है। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि मेरे दफ्तर में भी कई लोगों को यह मैसेज मिला है, ऐसे काम अपराधी या चोर करते हैं। इजरायली पीएम ने कहा, संघर्ष विराम का मतलब होगा आत्मसमर्पण, हमास का नामो निशान मिटा देंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में संघर्ष विराम के आह्वान को खारिज करते हुए कहा कि संघर्ष विराम इजरायल द्वारा हमास के सामने आत्मसमर्पण करने जैसा होगा। उन्होंने कहा कि इजरायल हमास का नामो निशान मिटा देगा और उनका देश जंग जीतने तक लड़ता रहेगा। गौरतलब है कि इजरायल के सहयोगी अमेरिका ने भी संघर्ष विराम पर आपत्ति जताई थी। पंजाब में एक दिन में खेतों में पराली जलाने की घटनाओं में 740% की हुई वृद्धि। पंजाब में एक दिन में पराली जलाने की घटनाओं में 740% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में रविवार को खेतों में पराली जलाने की 1068 घटनाएं दर्ज हुई हैं, जबकि शनिवार को केवल 127 घटनाएं दर्ज हुई थी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 25 से 29 अक्टूबर के बीच पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं की तस्वीरें जारी की है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को हाईकोर्ट ने दी 4 हफ्तों की अंतरिम जमानत। बता दें कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 371 करोड़ रुपए के कौशल विकास घोटाला मामले में राज्य के पूर्व सीएम और टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के आधार पर मंगलवार को 4 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने उन्हें अस्पताल जाने के अलावा किसी अन्य कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का आदेश दिया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर पर केरल में समुदायों के बीच नफरत फैलाने के आरोप में केस दर्ज। बता दें कि केरल पुलिस ने केंद्रीय कौशल विकास व उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ अलग अलग समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले बयान देने के आरोप में केस दर्ज किया है। पीटीआई के मुताबिक पुलिस ने कलम शेरी केरल में हुए सीरियल धमाकों को लेकर सोशल मीडिया पर आए चंद्रशेखर के हालिया बयानों का स्वतः संज्ञान लेकर FIR दर्ज की है। बिहार में ATS व STF में महिला कर्मियों व पदाधिकारियों की होगी प्रतिनियुक्ति। बता दें कि बिहार पुलिस मुख्यालय के ADG जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि राज्य में ATS व STF में भी महिला कर्मियों व पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके लिए उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने फिलहाल बड़ी संख्या में महिला पुलिस कर्मियों को डायल 112 साइबर यूनिट और सोशल मीडिया सेंटर में बहाल किया है। मुकेश अंबानी को फिर मिली धमकी, ईमेल में अब कहा गया अब 400 करोड़ चाहिए। बता दें कि उद्योगपति मुकेश अंबानी को 4 दिनों के भीतर तीसरी बार जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें भेजे गए ईमेल में लिखा गया है कि तुम्हारी सुरक्षा कितनी अच्छी क्यों ना हो, हमारा एक स्नाइपर तुम्हें मार देगा। अब हमें 400 करोड़ चाहिए, पुलिस मेरा पता नहीं लगा सकती और मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।